और 16 विस्फोटक डिवाइस बैटरी भी बरामद हुई है। पीएफआई का मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन अरेस्ट हो चुका है। बदरुद्दीन का साथी फिरोज गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास से इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि डिटोनेटर बरामद हुआ है। इसी के साथ बसंत पंचमी पर ब्लास्ट की तैयारी थी, ये भी डीजी ने बताया है। और पीएफआई जो सदस्य उनकी गिरफ्तारी की गई है, तो बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आधार कार्ड समेत तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। विस्फोटक बरामद हुआ है, 16 विस्फोटक डिवाइस बरामद हुई है, बैटरी बरामद हुई है। पीएफआई का मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन जिसे गिरफ्तार कर लिया, उसका साथी फिरोज उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी को लेकर जानकारी दी गई है एडीजीएलओ प्रशांत कुमार की तरफ से। तो बड़ी साजिश की फिराक में थे पीएफआई के दोनों सदस्य जिनको अरेस्ट किया गया है फिलहाल। तो केरल से आए दो पीएफआई सदस्य गिरफ्तार, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध पीएफआई उर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है। उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, असद बदरुद्दीन और फिरोज खान। इनके गिरफ्तारी लखनऊ के पिकनिक स्पॉट इलाके से अभी कुछ देर पहले यानी शाम को जो है की गई है। और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ किया गया है तो बड़ा खुलासा हुआ है कि कल पीएफआई का स्थापना दिवस है, लेकिन उससे पहले ही ये पूरे देश में बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं करने की फिराक में थे, हिंसा फैला करके सरकार और कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर निशाने पर लाने की फिराक में थे। लेकिन इनकी पहले ही जो है गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया है कि देश के तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो इनके निशाने पे थे, तमाम जो हिंदू संगठन से जुड़े नेता हैं वो इनके निशाने पे थे। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी ये रेकी भी कर रहे थे, वो सीधे तौर पे जो है वहाँ पर हमले करने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में काफ़ी तेज जो विस्फोटक हैं वो बरामद किए गए हैं, जो एक्सप्लोसिव डेटोनेटर हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ में ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से हिंदू संगठन और उनके जो नेता हैं, इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं वो इनके निशाने पर थे। कैमरा पर्सन गिरीश सातानु, कुमार भारत समाचार, लखनऊ।